friends, welcome back to my channel. Today is Sunday and I am not vlogging today. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी हिजाब कलेक्शन और अपनी हिजाब एसेसरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी हिजाब एसेसरीज और हिजाब कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सारी हिजाब कलेक्शन. लेट्स गो. यहाँ बहुत ही क्यूट है तो ये मुझे बहुत पसंद है. उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है ये जो वूल में पास है वो है ये भी विंटर सीजन के लिए. फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, मतलब जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको परचेज़ कर लेती हूँ. तो बस इसी तरह से जो चीज़ें कुछ मेरे पास बिल्कुल न्यू रखी हैं तो ये भी मैंने लास्ट ईयर जो है वो विंटर के एंड पे परचेज़ किया था, तो बस ऐसे ही रख दिया और यूज़ ही नहीं हुआ इस दफ़ा भी. और नेक्स्ट मेरे पास है ये नेवी ब्लू कलर में है इसका, ये तो ये इसकी सीधी साइड है, हाँ शाइनी है जो. ये भी ऑल ओवर प्रिंटेड है और ये भी वूल है आई थिंक, और ये विंटर सीजन के लिए है. मेरे पास मोस्टली जो है वो विंटर सीजन के लिए है और
बहुत कम है जो कि समर के लिए हैं, लेकिन कुछ है भी। और नेक्स्ट मेरे पास है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, लाइट कलर है, और ये भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, शाइन। और हिजाब में भी, क्योंकि जो सिंपल सा है, ठीक है, ये अच्छा है ये भी। और इसका स्टफ है वूल, विंटर सीजन के लिए है। अच्छा लगता है और ये भी विंटर सीजन के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है, ये एक यूनिक सा ये वाला है, मल्टी कलर है इसमें, और ये ऑल ओवर इसमें जो प्रिंट है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। है तो ये विंटर सीजन के लिए, लेकिन इसके कलर्स देख के लग रहा है जैसे समर के लिए है। और नेक्स्ट जो मेरे पास है, ये बहुत ही यूनिक सा एक डिज़ाइन है, अच्छा लगा मुझे और मैंने ले लिया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जो मेरे पास है, वो बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा है, डी पिंक इसका बॉर्डर है, चेक में है ये, और ब्लैक इसमें इस तरह से चेक बने हुए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी वेयर किया हुआ काफ़ी अच्छा लगता है, इसका स्टफ भी काफ़ी अच्छा है, विंटर सीजन के लिए है। और जो नेक्स्ट मेरे पास है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, रफ यूज़ किया है मैंने इसको बहुत ज़्यादा, और कैजुअल यूज़ के लिए है। और जो ये वाला है, ये मेरी अम्मी का था और अब ये मेरे पास है, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है, ये कि इसको मैंने प्रेस भी नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, खैर है। तो लेकिन ये वूल में है और ये भी बहुत अच्छा लगता है, सॉरी इसको मैंने प्रेस नहीं किया, इसको इग्नोर कीजिएगा, बस मैंने जैसे निकाला वो मैं आपको दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद ये है, ये भी मैंने कैजुअल यूज़ किया है, ये भी लाइट सा स्टफ़ है और बिल्कुल
सिंपल सा है। उसके बाद ये वूल में है, शॉल है, मिनी शॉल आप कह सकते हैं इसको, और ये बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन चुनरी स्टाइल में है, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये दुपट्टा कम स्टॉलर है। और अब हम आ जाते हैं अपने हिजाब एक्सेसरीज की तरफ। तो मेरे पास है ये हिजाब कैप्स, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, शाइन ग्लिटर इस तरह से, ये इस तरह से दिखती हैं। तो मैंने ये सारे कलर्स ले लिए थे कि जब भी कहीं जाना हो या कोई भी फंक्शन हो तो टी पिंक कलर। और इसके बाद मेरे पास है ब्लैक। अच्छा, मुझे मेरी एक व्यूअर ने कहा था आप प्लीज़ अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारे साथ शेयर करें, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेकअप प्रोडक्ट्स में, और ना ही मुझे कोई ख़ास इनको यूज़ करना आता है क्योंकि इंटरेस्ट जो नहीं है। तो मैं ज़रा बड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ और बस अपने आप में रहने वाली, और कहीं आना जाना का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रखती। कुछ पहले थी और कुछ हालात ने बना दिया। उसके बाद ये मेरे पास बस नेल पॉलिश के कलर्स हैं कुछ, जो मैंने शौकिया परचेज़ किए थे, और कभी कभी मैं इसको बस लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ नमाज़ पढ़नी होती है तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम बार बार रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे पास है ये लिप ग्लॉस है, जो बहुत ही प्यारा सा कलर लगा था मुझे, नेचुरल सा, तो मैंने फिर ये एक शॉप से दो ही एक साथ परचेज़ कर लिए थे, लेकिन बहुत कम यूज़ किए, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो उसके बाद एक ये है मेरे पास लिप ग्लॉस, आई थिंक ये मुझे सिस्टर ने दिया था। उसके बाद ये शाइनी सा है लिप ग्लॉस, ट्रांसपेरेंट, और ये मुझे कज़न ने गिफ्ट किया था, और ये भी काफ़ी अच्छा है। लिप्स पे लगाने से आप, एक तो आपके ड्राई लिप्स ठीक हो जाते हैं, दूसरा शाइनी काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ये है लिप ग्लॉस, ये है टी पिंक कलर में, मैक का है आई थिंक। उसके बाद ये देखिए मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर मैंने रखे हैं। और उसके बाद ये है परफ्यूम, ये भी मुझे सिस्टर ने गिफ्ट किया था, और ये मुझे कज़न ने गिफ्ट किया था, सॉरी। और वो जो बाकी वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मुझे सिस्टर ने गिफ्ट किए थे, और ये हैंडबैग में रखने के साइज़ के हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। उसके बाद ये है आई थिंक बेस से क्या बोलते हैं फाउंडेशन, आई डों